गाड़ी धो रहे हैं और गाड़ी के साथ साथ खुद को भी धो रहे हैं। तो फाइनली अभी हम रेडी हो गए हैं, बस अनु अभी भी रेडी हो ही रही है। आप सबको तो मालूम ही होगा ये एकदम तो रेडी होती नहीं, इसको लग जाते हैं दो घंटे करीबन। गर्मी हो रही है, डर भी लग रहा है कि यार टैनिंग ना हो जाए बहुत ज़्यादा, अगर टैनिंग हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, घूमना ही है तो इतना सर धस के जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप लोगों का प्यार है ही हमारे साथ। अपने आप को ही घूरने में लगी है तब से अनु, और कह रही है कि हाय मैं कितनी ज़्यादा प्यारी क्यूट लग रही हूँ। मैं आप भी बताओ, मैं सब ही क्यूट हुई थी। आप सब बताओ ये कि प्यारी क्यूट लग रही है या नहीं? यस, मैं लग रही हूँ। वहाँ तो देखो लग रही हूँ ना। मैंने भी नहा लिया देखो, और कपड़े कहाँ सूख रहे हैं जिप्सी में। जोंगा लिए कपड़े सुखाने के लिए मामा ने, अपना कच्चा बंडी यहाँ पे सुखाया जा रहा है देखो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैंने छाती, ठीक है, मैंने कहा था मामा को एक फिट आएगी। अच्छा, मैंने पहन के भी देखी आज। मामा भी वही जो मम्मी ने गिफ्ट करी है वही वाली टी शर्ट ले आज पहन के आ रहे हैं हमारे साथ। उनको अच्छे से पहने लेने दो यार फ्रॉक। हाँ भगवती, तो हम सब यहाँ से निकल चुके हैं, और ये है चंदू। चंदू की गाड़ी है ना, अस्सु की गाड़ी है। अस्सु की गाड़ी, देखो ये आगे से अस्सु बैठा है। हेलो कर दो सब। और मामा चला रहे हैं। उन्होंने बोला ना कि स्किन कलर का नहीं होता है, वैसे ही लगता है ना वो, जैसे नहीं पहना होगा। तो कोई लड़की आ रही होगी ऐसी, लड़की उनकी बहू ठहरी। अच्छा, बच्चों को छोड़ के आ रही थी। आ रही होगी तो मम्मी ने पहले देखा नहीं होगा, जब वहाँ पर देखा सब तो फिर दूर से देखा, जो ये सब पैजामा पहनना भूल गई आज। क्या हो गया बहू को, ये ऐसी गई थी। सो फाइनली जाने से पहले मामा ने दूसरी गाड़ी का अरेंजमेंट किया। अस्सु की गाड़ी है और अस्सु की गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि ओपन जिप्सी में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, बहुत गर्मी हो रही थी, इस वजह से मामा ने ये वाली गाड़ी को अरेंज किया। देन हम अब इसमें जा रहे हैं, और मुझे मौका मिला कि मैं अपनी हाफ शर्ट भी पहन सकूँ, जो स्पेशली मैं यहाँ के लिए लेके आया था, तो मैंने हाफ शर्ट भी पहनी थी इस ट्रिप में। हर किसी को अपने गर्लफ्रेंड और बीवी में सीता चाहिए, लेकिन राम बनना कोई नहीं चाहता। ये वो जंगल है जहाँ पर कई साल पहले, करीबन 10-15 साल पहले, 7 ऐसी बरातें थी जो यहाँ से गुजर रही थी, और उनको लूट लिया गया। तो ये वो जगह जहाँ पे लोग जाने से पहले बहुत ज़्यादा डरते थे, जब ये एरिया डेवलप नहीं था, बट अब यहाँ से लोग आते जाते हैं, अब इतना कोई यहाँ पे डेंजर वाली बात नहीं है। वो सफेद क्या दिख रहा है, कुछ अंदाजा है? क्या है? आगरा का ताजमहल। हाँ, गुरुद्वारा है ना, आयो में यहाँ। ओ माय गॉड, ओ भाई साहब, बोटिंग भी चल रही है। सो हम आ गए गोवा बीच में, ये हल्द्वानी के आसपास का गोवा है। हल्द्वानी का गोवा, और गाड़ी में बैठे सब गोवा है। गाड़ी में बैठे सब गोवा है यार, यहाँ तो वो भी करानी चाहिए, स्कूबा डाइविंग, स्कूबा भी करानी चाहिए यहाँ। गजब, ये देख सकते हैं आप दूर दूर तक। ये बहुत ज़्यादा तेज हवा की वजह से यहाँ पर मेरी वॉइस क्लियरली नहीं आ रही है, सो मैं आपको बता दूँ, ये एक बहुत बड़ी झील है, ये हल्द्वानी के आसपास ही है, और यहाँ पे बहुत सारी बोटिंग होती हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, फॉरेन से भी यहाँ पर आते हैं। तो इट्स अ ह्यूज लेक, नैनीताल से बराबर ही या नैनीताल से बड़ी है। अभी हमने यहाँ पे फोटो वोटो खिंचा ली है, और जा रहे हैं आगे की तरफ। इससे भी बहुत बड़ा डैम है, या यू कहो इससे भी बहुत बड़ी झील है जो आपको दिखाएंगे। हाँ, अभी देखते रहो आगे को, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आपको दिखाते रहेंगे। अभी दूसरी जगह आ गए हैं, और अभी यहाँ अभी आपको दिखाते हैं क्या है, मैं तो पहली बार आया यहाँ पे। जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे गुरु नानक जी गंगा माता को लेके आए थे।
तो ये है पुल जहाँ पे लोग जा रहे हैं। ये है आप देखो, ये इतना गहरा है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे को। पूजा कहाँ पे होती है? पूजा कहाँ होती है? बहुत गहरा होगा ये तो, वही है जैसे ताली हुआ। ये बहुत ज़्यादा गहरा है ये, और मतलब यहीं तक ही जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नीचे तो जाने का है ही नहीं, तो सब यहाँ तक ही जा सकते हैं। ये गंगा का पानी हुआ मामा? अरे वाह, गंगा का पानी है तो हम इसी में जाते हैं। स्टार्ट ही है ये, मैंने वो नहीं करा है। अभी हम रुके हुए हैं, मम्मी बैठी है, मम्मी को पॉपकॉर्न बहुत अच्छा लग रहा है। इसे पॉपकॉर्न दिया हुआ सबसे ज़्यादा फेवरेट है। हनुमान जी का ये 20 रुपए का टैटू है और इसमें बहुत डिटेलिंग में काम किया गया है। ये 160 रुपए में वो। इसमें डिटेलिंग थोड़ा कम करी है 160 रुपए। सो दोस्तों, हम एक और झील की तरफ निकल चले हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है और जो खटीमा से भी आगे है। और अगर आप उस झील की लंबाई को नापेंगे तो वो नैनीताल, भीमताल, नौकुचा ताल, जितने भी ताल हैं हमारे उत्तराखंड में, टेहरी डैम के झील को छोड़कर बाकी जितने भी ताल हैं उनसे भी बड़ा वो झील है। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, आइए देखते हैं। ये सारे के सारे कमल के फूल है ना, सब पत्ते हैं। अभी 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 सिर्फ पत्तियां हैं। जिस समय ये सारे कमल खिलेंगे उस समय का नजारा देखो, सारा कमल है। सारे लोग अपने अपने फ़ोटो खिंचा रहे हैं। हमने फ़ोटो वोटो यहाँ पे खिंचवा ली है, सारी वीडियो वीडियो जो भी हमने करना था वो हम कर चुके हैं। और ये देखो यहाँ पे मामा लोग भी अपना वीडियो फ़ोटो शूट कर रहे हैं और हमने भी कर लिया है। तो हमने यहाँ पे जितनी भी टाइम स्पेंड करना था हम कर चुके हैं, सारा इंजॉयमेंट पूरा हो चुका है। और हम सब लोग अब वापस ही कर रहे हैं इधर से, यहाँ से हम वापस जाएंगे। अभी हमारे कोई रिलेटिव हैं उनके घर पर, शायद वहाँ पे लंच होगा हमारा, तो वहाँ पे लंच करके हम फिर गुरुद्वारा जाएंगे। तो यह है सिसैया झनकरिया डैम, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कितना ज़्यादा आपको वैसे तो दिखाई दिया है। बहुत बड़ा डैम है, मतलब ये उत्तराखंड का वैसे सबसे बड़ा जो नेचुरल डैम बना हुआ है ऑलरेडी। तो ये ताल बहुत बड़ा है और उसके दूसरी साइड आप देखोगे ये ताल है, ये रोड है, रोड की दूसरी साइड पे इतनी सारी गाँव की गायें हैं। ये हमारी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मीन्स हमारे गांव की जो लैंग्वेज है वहां की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो शायद आपको समझ में ना आए। बिजली का बिल आता है ज्यादा तो लगता है। ये अनु को एक चीज चलाने में बड़ा मजा आ रहा है, हैंडपम्प। वापसी में घर जाते वक्त नानक मत्ता गुरुद्वारे में आए हुए, नानक मत्ता गुरुद्वारा कहते हैं इसको। और ये बहुत बड़ा है, आई थिंक अंदर को कैमरा ऑन नहीं करने देंगे, मोबाइल ऑन नहीं करने देंगे, वीडियो नहीं बना देंगे, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। ले लिया है और बांध भी लिया है सर में, तो हम तीनों जा रहे हैं देखो। तो अब हम अंदर जाएंगे, देखते हैं अंदर बनाने देते हैं वीडियो या नहीं। तो मामा लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ
यहाँ तक तो बना सकते हैं आई थिंक, अंदर नहीं बना सकते, लेट्स सी। तो अब हम वापस आ गए हैं, यहाँ पर अभी हम रुके हैं, मामा कुछ अपने लिए शायद तलवारें ले रहे हैं, तलवार ले रहे हैं एक, यह है वो दुकान जहाँ से तलवार ले रहे हैं मामा, छोटी तलवार, चलो गॉड, ये तलवार लिया है, अभी इसको घर जाके खोल के दिखाऊंगा मैं, ये पूरी तलवार है ये जो ले रखी है आज, आज हम सबको बहुत लेट हो गया है, देखो जाम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो अभी हम निकल ही रहे हैं जाम से, फंसे पड़े हैं, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है, और अभी 9 बज गए हैं और अभी तक हम सुबह से घर पहुंचे नहीं हैं। ये मोमो फेमस है हमारा अंदौनी का मोमो वाला, इतने बेस्ट मोमो बनाते हैं, यह है मोमो वाले जो हल्द्वानी के बेस्ट मोमो बनाते हैं, और कुलदीप फास्ट फूड एक बार हाई कर दो, हेलो कर दो। फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और जो हमारे साथ थे उनको हम बाय बाय करके आते हैं अभी। तो आप देख सकते हो मामा ने कौन सी तलवार ली है, इतनी भयंकर, ये टीपू सुल्तान की तलवार, 5,000 की तलवार ली है ये टीपू सुल्तान की। और यहाँ है अन्नू आते खाना बनाने लग गई है, और टाइम हो रहा है 10, आज हमको आने में लेट हो गया और खाना बना नहीं है अभी, तो अन्नू आके बना रही है, तो क्या करना है अन्नू अब इनको? तो जैसा कि आप सभी को पता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें बहुत सारा सपोर्ट करें, थैंक यू, बहुत ज़्यादा प्यार दें, धन्यवाद।